सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है टीएनजी रिव्यूज में। आज हमारा 5th डे है 30 दिन 30 अनबॉक्सिंग और 30 गिव अवे का। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग के लेटेस्ट बजट डिवाइस की, सैमसंग गैलेक्सी J4 की। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको J4 को खरीदना चाहिए या नहीं। तो आइए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इसके पीछे मेंशन है कि ये मेक फॉर इंडिया डिवाइस है और साथ ही कुछ स्पेक्स भी दिए हुए हैं, लेकिन हम जल्दी से अनबॉक्सिंग शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको स्पेक्स साथ में ही बता दूंगी। सबसे पहले हमारा डिवाइस है और हमारे पास इसका ब्लैक कलर है, अभी यही कलर अवेलेबल है। ये रहा हमारा डिवाइस। पॉलीकार्बोनेट बॉडी का डिजाइन है इसका, काफी लाइटवेट है क्योंकि अभी इसकी बैटरी हमारी बाहर है। जैसे हमारे नॉर्मल सैमसंग के डिवाइसेस होते थे बिल्कुल वैसा ही है देखने में। 16:9 का डिस्प्ले मिलता है आपको सामने 5.5 इंच का। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो 151.7 इसकी हाइट है, 77.2 mm इसकी विड्थ और 8.1 थिकनेस। और ये बैटरी जब हम लगा देंगे तो ये 175 grams का हो जाएगा। इसके ऊपर हमें कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, काफी नॉर्मल सा डिवाइस है देखने में। आइए जल्दी से बॉक्स की बाकी चीजों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ये है हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, साथ में ये है हमारा ट्रेवल अडैप्टर जो कि 5 वॉट का चार्जर है, और ये हमारी माइक्रो यूएसबी केबल, साथ में ये है हमारे ईयरफोन्स, काफी नॉर्मल स्टैंडर्ड के ईयरफोन्स हैं ये। और ये रही हमारी बैटरी, ये हमारी 3000 mAh की बैटरी है। आइए फटाफट से डिवाइस के ऊपर लगा देते हैं इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने डुअल सिम्स लगा सकते हैं और साथ में आपका मेमोरी कार्ड भी लग जाएगा और आपकी जियो सिम इसके अंदर आराम से लग जाएगी। ये हमने लगा दी बैटरी और डिवाइस के नीचे की साइड आप देख सकते हैं हमारे पास माइक है, यूएसबी पोर्ट है और 3.5 mm हेडफोन जैक है। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है, टॉप साइड एकदम क्लीन है डिवाइस की, और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स है। और जो हमारा स्पीकर है वो बैक साइड में दिया गया है कैमरा के साथ, 13 MP का कैमरा है एलईडी फ्लैश के साथ, और उसके नीचे सैमसंग की बैजिंग। देखने में डिवाइस को ज्यादा अच्छा सा नहीं लग रहा, बिल्कुल नॉर्मल सा सैमसंग का डिवाइस लग रहा है, ना फील में अलग लग रहा है ना देखने में अलग लग रहा है। आइए जल्दी से इसको स्विच ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर हमें फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट लॉक कुछ भी नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको नॉर्मल लॉक्स मिलते हैं जैसे कि पैटर्न, पिन और पासवर्ड। आजकल फेस रिकॉग्निशन तो हमें काफी डिवाइसेस में मिल जाता है, काफी बजट डिवाइसेस में मिल जाता है, तो मेरे को लगता है सैमसंग को इसमें देना चाहिए था बट नहीं दिया है उन्होंने। एटलीस्ट फिंगरप्रिंट लॉक तो दे ही सकते थे, वो तो बहुत ही कॉमन चीज हो गई है आजकल। ये हमारा डिवाइस हो गया सेटअप। इसके अंदर हमें 5.5 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर आपको 16:9 की रेशो मिलती है स्क्रीन रेशो, और HD रेजोल्यूशन मिलती है 267 PPI के साथ। डिस्प्ले ठीक है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है सैमसंग का, तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो काफी अच्छी लग रही है। साथ ही इसके अंदर आपको कुछ मोड्स भी मिलते हैं डिस्प्ले के अंदर, जिसके अंदर आपका आता है एक आउटडोर मोड जिससे कि आप इसको सनलाइट में यूज कर सकें, एक आता है आपका ब्लू लाइट फिल्टर जिससे कि आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, और बाकी आप इसका फॉन्ट स्टाइल और ये सब चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ स्क्रीन मोड भी मिलते हैं जिसके अंदर आपका अडैप्टिव डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, एमोलेड फोटो डिस्प्ले है और एक बेसिक है। अडैप्टिव मुझे ज्यादा बेटर लगता है इसके अंदर। आइए डिवाइस की साउंड पर नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं रिंगटोन की साउंड काफी ठीक आ रही है। स्पीकर वैसे हमें बैक साइड में मिलता है इसके अंदर। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो हमें मिलता है सैमसंग एक्सिनोस 7570 क्वाड कोर 1.4 का प्रोसेसर, उसके साथ मेली T720 की ग्राफिक्स और एंड्रॉइड 8। काफी ओके टाइप है हमारा ये प्रोसेसर, काफी ओके परफॉर्मेंस देगा आपको, कोई ऐसे कुछ अलग सी परफॉर्मेंस नहीं देगा। इससे बेटर की ऑप्शन मुझे एक्चुअली में J6 लगती है, उसके अंदर हमें काफी अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है सैमसंग का और उसकी परफॉर्मेंस इससे थोड़ी बेटर ही है। साथ ही आप सिक्योरिटी में देख सकते हैं हमें सिक्योर फोल्डर मिलता है जिसके अंदर आप अपने कुछ फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस को रख सकते हैं, या आपके एक पर्सनल सेफ की तरह है। और कुछ हमें एडवांस फीचर्स मिलते हैं जैसे कि कुछ गेम्स टूल्स मिलते हैं आपको, वन हैंड मोड मिलता है आपको जिससे आप एक हाथ से डिवाइस को यूज कर सकें, क्विक लॉन्च कैमरा बटन मिलता है, अगर आप होम की को 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा लॉन्च हो जाएगा, साथ में मल्टी विंडो मिलता है आपको, स्मार्ट अलर्ट मिलता है,
उसके साथ डायरेक्ट शेयर मिलता है, जिससे कि आप डायरेक्टली अपने फोल्डर्स को या फिर अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं इस डिवाइस से। और अगर हम इसकी रैम की बात करें तो हमें मिलती है 2 GB रैम, जो कि मुझे लगता है बहुत ही कम है। आजकल इस बजट के अंदर हमें 4 GB रैम तो नॉर्मली अवेलेबल हो जाती है, तो उस हिसाब से सैमसंग को 2 GB नहीं देनी चाहिए थी, थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए थी। उसके साथ हमारे पास 16 GB इंटरनल मेमोरी वाला मॉडल है, जिसके अंदर आपको सिर्फ 9.5 GB इंटरनल मेमोरी फ्री मिल रही है। वैसे इसका एक और वेरियंट है जो कि आपका 32 GB वाला है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। 16 GB वाले का प्राइस है 10,000 रुपये और 32 GB वाले का प्राइस है 12,000 रुपये। 32 GB वाला तो आपको अवेलेबल है नहीं, लेकिन 16 GB वाला भी अभी काफी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है मार्केट में। इसके साथ ही आपको इसमें सैमसंग हेल्थ मिलता है, जिससे कि अगर आप कोई भी अपना हेल्थ ट्रैकर पहनेंगे जो कि आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा, उससे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ आपको सैमसंग मॉल की ऑप्शन मिलती है इसके अंदर, जिससे कि आप इंस्टेंट शॉपिंग कर सकते हैं इसके अंदर। और साथ ही आपको इसके अंदर वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ 4.2 और उसके साथ कुछ सेंसर्स मिलते हैं, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी। आइए फटाफट से डिवाइस के कैमरा पर नजर डाल लेते हैं। इसके अंदर हमें 13 MP का कैमरा मिलता है बैक साइड में, जिसका अपर्चर 1.9 है, और फ्रंट पे हमारे पास 5 MP का कैमरा है, जो कि काफी कम लग रहा है, साउंड कर रहा है, और उसका अपर्चर 2.2 है। लेकिन फ्रंट में आपको LED फ्लैश भी मिलता है, जिसके अंदर आप लेवल चेंज कर सकते हैं। साथ ही फ्रंट में आपको ब्यूटी मोड मिलता है, कुछ स्टिकर्स मिलते हैं। और अगर मैं बैक कैमरा की बात करूं तो उसके अंदर हमें कंटिन्यू शूटिंग, ऑटो मोड, ब्यूटी मोड, प्रोफेशनल मोड, पेनोरमा शॉट, नाइट शॉट, HDR मोड, ऐसे फीचर्स मिलते हैं। और साथ में आपको कुछ और साथ में बैक कैमरा में भी आपको कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, कुछ फिल्टर्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसके बैक कैमरा के पिक्स तो ठीक आई है, फोकस ठीक ले रहा है, कलर अच्छे ले रहा है, लेकिन जो हमारा फ्रंट कैमरा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि आपको LED फ्लैश दे दिया है तो आपकी लो लाइट में पिक्स अच्छी आ जाएंगी, लेकिन क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं लग रही है पिक्स। सो गाइस, ये था हमारा सैमसंग J4, जो कि अभी 1 तारीख को ही लॉन्च हुआ है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये डिवाइस लॉन्च किया क्यों है सैमसंग ने। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने J6 लॉन्च किया था, जो कि काफी अच्छा डिवाइस था, उसकी भी अनबॉक्सिंग आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसके अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। और डिफरेंस देखें हम तो सिर्फ 2,500 रुपये का डिफरेंस है, वो इससे सिर्फ 2,500 रुपये महंगा है, लेकिन डिफरेंस फीचर्स वाइज, लुक वाइज काफी ज्यादा आ जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक सैमसंग का बजट डिवाइस लेना चाहते हैं तो आप सैमसंग के J6 के लिए ही जाएं। J4 इतना अच्छा नहीं लग रहा, और वैसे भी ये अवेलेबल नहीं है, तो आप ले तो उसको वैसे भी नहीं पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट करें लाइक बटन, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।